तूफान का ये असर दिख रहा है। ये सदर अस्पताल है, स्टेडियम है और स्टेडियम चाहिए हो रहा है। थोड़ी देर में ये नवोदय विद्यालय है, हम इन कर रहे हैं। स्वास्थ्य जांच कैंप चल रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय में। मैं आप लोग काफी भीड़ है बच्चों। बच्चों द्वारा कलाकृति बनाई गई है जिसका बहुत ही सुंदर कलाकृति है। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद हैं और बच्चों और बच्चियों का स्वास्थ्य जांच हो रहा है, जिसमें हमारी एएनएम सिस्टर भी लगी हुई है। बहुत ही खुशी की बात है, बच्चे लोग इस जांच शिविर में क्रमबद्ध तरीके से आ रहे हैं और अपना स्वास्थ्य जांच करा रहे हैं। बहुत ही हर्षित की बात है और ये बच्चे का स्वास्थ्य जांच चल रहा है। हमारे ये बीटीटी है मुनिजी पांडे जो काम में लगे हुए हैं, हमारे एमपीडब्ल्यू जो कि जांच में भिड़े हुए हैं और सारे हमारे स्वास्थ्य टीम लगी हुई है जो आपको मैं करा रहा हूँ। हमारे चिकित्सा पदाधिकारी हमारे एएनएम सिस्टर हैं, इनका स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है। हमारे मौजूद हैं जो हमारे चिकित्सा पर बहुत ही व्यस्त अभी हैं, बात करने की फुर्सत नहीं है क्योंकि अभी काफी संख्या में भीड़ है। स्कूल का ये एक फोटो है, बहुत ही भव्य तरीका से इसको दिखाया गया है। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय सुगंज झारखंड का ये स्कूल का इसमें फिगर है और देखिए बच्चे लोग बहुत क्रमबद्ध तरीके से कतार में लगे हुए हैं। बच्चियां भी हैं जिनका स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है हमारे टीम मेडिकल टीम के द्वारा। चिकित्सा पदाधिकारी एएनएम सिस्टर सारे मौजूद हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से सबका स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है। एक एक कर आ रहे हैं हमारे चिकित्सा पदाधिकारी सर हैं जो अभी मौजूद हैं। इस स्कूल के प्रांगण में ये कैंप लगाया गया है और हमारे छात्र और छात्राओं का स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है। मैं 5 मिनट के लिए हम सर से मुखातिब होंगे, उनका एक थोड़ा सा हम बात करेंगे कि किस तरह का इसमें। तो सर से हम मिल रहे हैं। हेलो सर जी, आप थोड़ा सा अपना यहाँ के बताइए, क्या बच्चे के किस तरह का तबीयत। साहेबगंज स्वास्थ्य विभाग की ओर से जवाहर नवोदय विद्यालय साहेबगंज में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं और सारे बच्चों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। ठीक है, उसकी दवाइयाँ दी जा रही हैं, नहीं भी है तो आयरन की गोलियाँ दी जा रही हैं, किडनी मुक्ति की गोलियाँ दी जा रही हैं
सारे बच्चों में उत्साह और उमंग है और बच्चे काफी खुश चल रहा है। प्रधानाध्यापक से भी बातचीत हुई है, उनके सदस्य से हम लोग सारे बच्चों का रेगुलरली हेल्थ चेकअप करा, जो रेसिडेंशियल बच्चे जो यही रहते हैं उनको स्वास्थ्य दिया जा सके और बीमारी में। चलिए थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी भीड़ में इतने बच्चों के काफ़ी संख्या के बावजूद भी हमसे बात किए। बहुत खुशी हुई है, बहुत हर्षित हुए हम भी। हमारे सर डॉक्टर अखिलेश कुमार जी बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं अभी पुर्जा लिखने में, थोड़ा सा दो मिनट समय लेना चाह रहे हैं सर। बच्चे का स्वास्थ्य जांच चल रहा है सर? हाँ सर, जांच चल रहा है। बहुत खुशी हो रही है जो बच्चों का स्वास्थ्य जाँच में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? चलिए थैंक यू, बहुत व्यस्त हैं आप लोग, अभी इंटरव्यू बाद में लेंगे। सिस्टर आपका नाम क्या हुआ? चलिए आप भी बहुत हैं, आप पुर्जा काट रही हैं, बहुत खुशी हो रहा है। आपका नाम क्या है की? जी रेनू टूडू। चलिए थैंक यू। सर आपका नाम क्या हुआ? सर आपका सिर नाम सर? सर नहीं है, नहीं लगता है माता दादा। सर सर आप सर परिचय सर? चलिए थैंक यू। सर आपका परिचय? तो आप अभी मतलब किस तरह के काम कर रहे हैं? जो रोगी मलेरिया से ग्रसित है उनका, बुखार से ग्रसित है उनका स्लाइड ले रहे हैं? चलिए धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एमपीडब्ल्यू के सहयोगी एक और एमपीडब्ल्यू हैं, आप जरा सर नाम बताएं। मोहम्मद राशिद अहमद। आप क्या है एमपीडब्ल्यू? हाँ, ओ आप रजिस्ट्रेशन कर क्या कर रहे हैं बच्चों का? किन बच्चों का? स्कूल के बच्चों का जो बुखार से प्रेरित है या ऐसे? अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, जो मेडिसिन भी दे रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार और रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। यहाँ बच्चिया, इस स्कूल की बच्चिया काफी भीड़ लगाई हुई है और यहाँ सिस्टर हमारी स्कूल से हैं जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। हमारे मैडम आप स्कूल से हैं, क्या नाम हुआ मैडम जी? रीता राय। चलिए थैंक यू मैडम, बहुत खुशी हो रहा है कि आप भी सहयोग कर रहे हैं हमारे टीम को स्वास्थ्य जांच, हम स्वास्थ्य विभाग से हम भी हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बच्चे कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हो रहा है? चलिए एक एक कर सबको रजिस्ट्रेशन हो रहा है और बच्चे का स्वास्थ्य चेकअप बहुत ही जरूरी है, समय समय पर होते रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे बीमारी पता नहीं चलता है, कृमि वगैरह या अन्य तरह के आजकल इन्वायरमेंट फीवर वगैरह चला हुआ है, ठंड की मौसम बढ़ रही है, अब सर्दी खांसी का भी प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है और आज के दिन काफ़ी बारिश होने की संभावना है। थोड़ा सा बारिश भी शुरू हो चुका है लेकिन हो सकता है कि अगले एक दो दिन में काफ़ी बारिश हो तो सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए यहाँ पर इस कैंप का आयोजन कर जो पहले से रोग ग्रसित हैं उनका इलाज किया जा रहा है और जो लक्षण जिसका जिस तरह का है उनका ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। बहुत खुशी हो रहा है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रांगण है, ये बहुत खुशी का है। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर गार्डन वगैरह है, हमारे बच्चे स्कूल का यहाँ पर है और गार्डन बहुत ही लुभावन है और यहाँ बच्चे क्रमबद्ध तरीके से लग रहा है टिफिन हुआ है, इसमें बच्चे आ रहे हैं और स्वास्थ्य जांच के लिए भी आ रहे हैं। ये स्कूल का प्रांगण है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस साहेबगंज जिला का जवाहर नवोदय विद्यालय जो बहुत ही खूबसूरत और है। यहाँ पर बच्चे का स्वास्थ्य जांच शिविर लगा हुआ है, यहाँ पर बच्चे आप देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर लगे हुए लाइन से और स्कूल के प्रांगण है ये, यहाँ पर झंडा तोलन कार्यक्रम किया जाता है, यहाँ पर फ्लैग ऑलरेडी हमको लग रहा है कि प्रतिदिन यहाँ पर लगा रहता है और इंडियन फ्लैग है, बहुत खुशी हो रहा है। और ये तिरंगे रंग का यहाँ पर गेट है, यहाँ पर आपका गार्डन है, गार्डन बहुत खूबसूरत है और यह यहाँ पर प्रे व्रे होता है और ये स्कूल के लोग बच्चे सब टाटा वगैरह कर रहे हैं। चलिए बहुत ही खूबसूरत है, ये स्कूल का है
स्कूल का ये प्रांगण है, बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए ये लगा हुआ है पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय साहेबगंज। ये बहुत ही खूबसूरत है। बच्चे तो शरारती होते हैं बीच बीच में। ये कितने खूबसूरत है, लंच या पढ़ाई कर रहे हैं या होमवर्क कर रहे हैं। देखिए बारिश, हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि बारिश का मौसम है, चक्रवात का असर यहाँ भी दिख रहा है और मेरे कैमरे में आपको दिख रहा होगा कि बारिश की कुछ बूंदे ये लिपट रही है मेरे कैमरे से। बहुत ठंडा तो है ही, इस ठंड में भी मजे आ रहे हैं अभी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। हो सकते कि आने वाले समय में बारिश बढ़ जाए। और मैं इस गार्डन के बारे में दिखा रहा था हूँ, जो गार्डन बहुत ही खूबसूरत है और नवोदय विद्यालय स्कूल का ये प्रांगण में ये बारिश का मौसम चल रहा है और यहाँ पर स्वास्थ्य कैंप भी चल रहा है। चलिए, बहुत ही खूबसूरत है ये गार्डन है, ये बहुत भव्य तरीका से सजाया गया है। चलिए फिर मैं चलता हूँ जहाँ स्वास्थ्य और बच्चे बच्चिया जो स्वास्थ्य के लिए क्रम से लाइन में खड़ी है और उनका रजिस्ट्रेशन के काम हो रहा है यहाँ पे, और एक एक कर सबका स्वास्थ्य जांच हो रहा है। बहुत ही भीड़ है और हमारे चिकित्सा पदाधिकारी सर हैं जो बहुत ही समय दे रहे हैं, और हमारे एनएम सिस्टर हैं। करीब करीब मैक्सिमम बच्चे का स्वास्थ्य जांच हो चुका है, कुछ छूटे हुए बच्चे जो लाइन में लगे हैं बस हैं, या करीब 500 के आधार हमको लग रहा है कि 500 बच्चे बच्चिया है। ये नवोदय विद्यालय का ये एक ग्राफ है, फोटो है, ये बहुत ही अच्छा है, लुक लग रहा है यहाँ बच्चे का। इस स्कूल का जो आगे का लुक है ये आप देख रहे हैं, इसी तरह का एकदम सेम है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। ये सर का प्रधानाचार्य महोदय का ये चैम्बर है। हमारे चिकित्सा महोदय प्रधानाचार्य महोदय से वार्ता करते हुए स्वास्थ्य कैंप का जो आयोजन है इसमें। थैंक यू सर। हमारे प्रिंसिपल महोदय हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के, जो गुप्तगु कर महीने में एक बार ये कैंप आयोजन के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे महीने में एक बार हम लोग चाहेंगे कि हो, ताकि सारे बच्चों का स्वास्थ्य जांच समय समय पर हो, और यहाँ पे जो भी बीमार बच्चे हैं उनको एक्चुअली सर से हम निवेदन करेंगे कि अगर किसी का बीच में तबीयत खराब हो जाता है तो जरूर टेलीफोनिक सूचना दे, ताकि हम कैंप मोड में या ऐसे डॉक्टर को भेज कर यहाँ पर मतलब उनका इलाज करा दें। और महीने में एक बार सर का मतलब आग्रह है, मतलब हमारे स्वास्थ्य कैंप से, कि महीने में एक बार जरूर यहाँ कैंप किया जाए, ताकि सारे बच्चों का स्वास्थ्य जांच चेकअप किया जा सके। काफी संख्या में बच्चे और बच्चियां रहती हैं, सर के द्वारा पत्र में लिखा गया 500 करीब में है बच्चे, वो भी अनुसूचित जनजाति, जनजाति बहुत ही पिछड़े वर्ग के बच्चे रहते हैं, जिनका सर के द्वारा माने अनुकंपा से, सरकार के अनुकंपा से यहाँ बहुत अच्छा से उनका मतलब शिक्षा दिया जा रहा है, और उनका रहने का खाने पीने का सब बंदोबस्त हमारे श्रीमान सर के द्वारा दिया जा रहा है। बहुत खुशी है और हम भी चाहेंगे कि हम लोग में फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ पर शिक्षा उपचार साथ में मिलकर काम करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम यहाँ बहुत 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 खुशी हुआ सर, हम लोग को भी सेवा का मौका मिलता है कभी कभी, तो हम लोग भी आते हैं देखते हैं जी सर, और कोशिश करेंगे मतलब महीना में एक बार अवश्य। हमारी एक आरबीएससी की रन करती है सारे स्कूल में, जितना स्कूल है गवर्नमेंट का स्कूल है, तो महीने महीने का उसका प्लानिंग बना हुआ है, यहाँ का भी हमको लग रहा है।